नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम पहुंचे हुए सिवान के जंक्शन पे और आज इस जंक्शन की कहानी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आज देश भर में लॉकडाउन का 20वां दिन है और अब लोगों को यह आस जग रही है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी फिर से एक बार देश के लोगों को संबोधित करेंगे और लॉकडाउन से छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी देश के हालात हैं, जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में शायद यह अब कहा जा सकता है कि जो लॉकडाउन है वो शायद कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अभी हम इसलिए पहुँचे हुए सिवान जंक्शन पर कि आज लॉकडाउन के 20वें दिन की क्या कुछ हालात हैं सिवान जंक्शन की, यह हम आपको दिखाना चाहते थे, आपसे रूबरू कराना चाहते थे। आप देख सकते हैं यह वही सिवान जंक्शन है जहाँ पे कभी काफ़ी भीड़ होती थी, कई राज्यों से ट्रेनें आया करती थी, तमाम लोग इस जंक्शन पे उतरा करते थे। लेकिन आज इस जंक्शन पे अगर कोई दिखाई दे रहा है तो ये चिड़िया दिखाई दे रही है। कहीं से भी आप देखिए कोई व्यक्ति यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है जो सिवान जंक्शन का परिसर है। तो ये नज़ारा आप देख करके और इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के जो हालात हैं, जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है, कुछ लोगों की मौत भी हुई है, उसके बाद से प्रधानमंत्री ने यह बड़ा फैसला लिया और ये फैसला आपके और हमारे हित में लिया है, न कि किसी अपने बेनिफिट के लिए लिया है, अपनी राजनीतिक कोई फायदा के लिए लिया है। ये जो फैसला उनके द्वारा लिया गया है काफ़ी सराहनीय फैसला है और इसका अमल हम लोगों को और भी अगर आगे भी अगर कुछ इस तरह की बात होती है तो करना होगा। तो ये हम फिर से एक बार आपको दिखाएंगे कि पूरे स्टेशन परिसर के नज़ारे को दिखाएं। यही वो पार्किंग स्थल है जो कि यहाँ पे पार्किंग हुआ करती थी, तमाम गाड़ियाँ लगा करती थी, लोग आते थे जब स्टेशन से ट्रेनों से उतरा करते थे तो यहीं से कार ले करके या फिर जो गाड़ियाँ हैं वो ले करके और फिर अपने घरों को जाया करते थे। लेकिन आज अगर कोई दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखिए आप जानवर, ये कुत्ता दिखाई दे रहे हैं, इंसान यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अब इस जंक्शन पे लोग नहीं आते हैं। जाहिर सी बात है कि जब ट्रेनें नहीं आएंगी तो लोगों का आना जाना कैसे होगा। हालांकि देखिए कुछ अब यहाँ पे अभी जस्ट दो महिलाएँ अभी दिखाई दे रही हैं, वो स्टेशन पर किस लिए आई हुई है, इनसे हम बात भी करेंगे कि आखिर ये किस लिए आई हुई है। थोड़ा सा हम कैमरामैन से चाहेंगे कि आइए और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो यहाँ पे किस लिए आए। लेकिन फिलहाल काफ़ी सन्नाटा है। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? एक मिनट बताइए कहाँ से आ रही हैं आप? लक्ष्मीपुर से। लक्ष्मीपुर से? तो लक्ष्मीपुर से आ रही हैं, क्या स्टेशन पे क्या हो रहा है सर? आइए डॉक्टर के पास। एक मिनट, थोड़ा सा स्टेशन पे तो पूरा सुन सन्नाटा है, कोई नहीं है। तो वही तो सन्नाटा है, तो आप क्या कर रही हैं? हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। अस्पताल जा रही हैं? हाँ। क्या हुआ है? आँख दिखाना है, आँख से पानी दे रहा है, पूरा सर में दर्द है। अच्छा अच्छा, तो किस डॉक्टर के पास जा रही हैं? अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में। खुला है, पता है आपको? हाँ, वो सरकारी बैठे हुए हैं। हाँ, सरकारी है, खुला है, क्लिनिक तो सारा खुला हुआ है, हॉस्पिटल बंद थोड़ी है ना है। अच्छा अच्छा, तो फिर कैसे जाएंगे? चारों तरफ तो गाड़ियाँ बंद है, कुछ भी नहीं, पैदल जाना पड़ेगा। जब प्रॉब्लम है तो दिखाना तो जरूरी है ना, जाना होगा। हाँ, लेकिन कोरोना से डर नहीं लग रहा है कि बाहर निकल रहा है तो? कोरोना से क्यों डरेंगे इतना सर, जब प्रॉब्लम है ज़्यादा आँख में तो दिखाना तो जरूरी है, एक दिन के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? आँख में दर्द है, पूरा पानी दे रहा है और सुबह में पूरा आँख सूज जा रहा है। तो डॉक्टर से तो फोन पे भी सलाह लिया जा सकता था? तो नहीं, मेरा छपरा का इलाज चलता है तो अभी फिलहाल में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। कोरोना से डर नहीं लगता है? नहीं। क्यों डर क्यों लगेगा कोरोना से? जब होना होगा तो कोई देखेगा थोड़ी है ना। नहीं नहीं, तो इतने सारे लोग डर रहे हैं और आपको डर नहीं लग रहा है कोरोना से, क्यों आखिर? है ना, बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं है? अरे सर, तो डर, अब डरेंगे तो मेरा काम थोड़ी ही ना हो पाएगा। घर में डर के बैठेंगे तो मैं अपना तो आँख नहीं दिखा पाऊँगी। यदि मेरे कुछ यदि अचानक आँख को हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँगी, डरूंगी तो। अच्छा, इसीलिए सड़क पर निकली हैं। हाँ, अपना नाम बताइए। आर्या सिंह। चलिए, आर्या सिंह है, आपसे बात करेंगे। आप इनकी कौन है? उनकी बहन है। बहन है? हाँ। क्या नाम है आपका? संजू देवी। कहाँ आप लोग निकली हुई हैं? सर, उसका आँख दिखाना था, ज्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए निकले हैं लोग। अच्छा,
अच्छा क्या हो गया? वही उसका प्रॉब्लम ज्यादा है, माथा में दर्द है, इसीलिए निकले हैं लोग। सर सब डर तो सब किसी को लग रहा है, लेकिन मजबूरी है तो निकलना है। मजबूरी है, नहीं मजबूरी है तो फोन पे तो बात हो सकती थी ना सर। डॉक्टर साहब बुलाए कि आइए लो, हम देख के बताते हैं। पुलिस का डर नहीं है सर? है नहीं पुलिस का डर। क्या डर है पुलिस का? सर लाठी चार्ज होगा तो कौन बचाएगा? तो जब डर रहेगा तो घर से बाहर कैसे? सर हम लोग तो खुद नहीं निकलना, लेकिन प्रॉब्लम है इसीलिए निकलना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए। जाहिर सी बात है कि हम दिखा रहे थे कि स्टेशन पे किस तरह से सन्नाटा फैला हुआ है, लेकिन कुछ जो महिलाएं हैं ये जाहिर सी बात है इनको डॉक्टर के यहाँ जाना था आँख दिखाने के लिए, तो घर से निकलना है। हालांकि जो एक स्टूडेंट है उनसे जब बातचीत हुई, उनका कहना था कि कोरोना से डर नहीं लगता है, जब आँख ही हमारा नहीं होगा, जो आँख की हमारी रोशनी है वो नहीं होगी तो फिर कैसे क्या होगा। तो हम आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना को लेकर के लोगों में एक थोड़ा सा डर बना हुआ है, लेकिन ये लड़की ने क्लियर कर दिया कि किस चीज़ का डर, हमें तो डर नहीं लगता। और इसी को लेकर के हम सिवान जंक्शन पे आए हुए थे कि सिवान जंक्शन पे क्या कुछ हालात हैं, तो ये हालात है आप देख सकते हैं। हालांकि अभी देखिए अभी सन्नाटा था, लेकिन कुछ जो युवा हैं ये घूमते नज़र आ रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर, एक मिनट थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर ये किस चीज़ का, ये लोग कुछ हैंडवील्स ये लोग बांट रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, कोई दिन इनसे इनको दिया है। कहाँ आप लोग घूम रहे हैं स्टेशन पर? हम लोग काम करते हैं यहीं पे। किस चीज़ का? वो रेलवे का मेंटेनेंस पूरा। अच्छा तो रेलवे का मेंटेनेंस करते हैं, तो आप बाहर घूम रहे हैं स्टेशन पर? नहीं सर, हम लोग कुछ सामान लेने आए थे, बाहर में मटेरियल रखा हुआ है। अच्छा अभी स्टेशन खाली है, इसमें काम करने में भी सुविधा हो रहा है। किस चीज़ का काम करते हैं? ये पीएफ सेंटर का ऊपर में, मतलब जो छावनी रहता है ना स्टेशन के अंदर, वही सब पूरा मेंटेनेंस। लॉकडाउन में अभी काम चल रहा है? हाँ अभी चल रहा है सर। कितने लोग काम कर रहे हैं? अरे लगभग हम लोग चार पांच आदमी हैं। चार पांच आदमी, कहाँ के रहने वाले आप? यूपी के। यूपी के? यस सर। ये हैंडविल ले रहे थे, क्या है ये? ये कोरोना के लिए है सर। कौन दिया है? वो आई थी ना एक लेडीज, वो क्या लिखा है? जी सर क्या लिखा है इसमें सर? यही कोरोना का सब पूरा डिटेल दिया हुआ है। क्या अभी सर पढ़े नहीं है तो सर आप बोला? अच्छा चलिए ठीक है। तो इनका कहना है कि आप लोग जाइए, इनका कहना है कि हम लोग इसके यहाँ के टेक्नीशियन हैं और हम लोग निकले हुए हैं काम को लेकर के। जाहिर सी बात है देखिए लोग बहाना भी बना रहे हैं, कोरोना जैसी जो बीमारी है इसको लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री एक से बढ़कर एक लोगों को बातें बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम और आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिरकार कब तक हम लोग जागरूक होंगे इस कोरोना जैसी महामारी को भगाने के लिए? अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारे बीच से कोरोना नहीं भागेगा और इस जंग को हम नहीं जीत सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है जागरूक होने की, एक एक व्यक्ति को जागरूक होने की, ताकि इस कोरोना जैसी महामारी को भगाया जा सके। हमारे सहयोगी आशीष।